पांच ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी साइंटिफिक राइटिंग को और भी इफेक्टिव बना देंगे मेरा नाम है और मेजर स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी राइटिंग को और भी इफेक्टिव बना देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा छह माह का साइंटिफिक राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं आज है डे फाइव डे फाइव में हम देखेंगे हाउ टू राइट इफेक्टिवली इफेक्टिव राइटिंग हमारे सबके लिए जरूरी है एज ए साइंटिस्ट आपको इफेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी होता है अदरवाइज आपका मैसेज अक्रॉस नहीं जाता और ना ही आपको साइटेशन मिलती हैं और आपका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिकेशन बन के रह जाता है नथिंग मोर देन दैट पांच ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो आपको इफेक्टिव राइटिंग करने में हेल्प कर सकते हैं और इसको मैं बोलूंगा फाइव स्टेप्स इफेक्टिव राइटिंग गाइड पहला है आपका प्लानिंग का स्टेप आप सबसे पहले प्लान करते हैं दूसरा आपका राइटिंग का स्टेप है कि आप लिखना स्टार्ट करते हैं तीसरा आपका रिवाइजिंग का स्टेप है आप रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं नंबर नंबर फोर्थ इज इज आपका फॉर्मेटिंग का एंड फिफ्थ फाइनलाइजिंग तो आप इन पांच स्टेप्स के अंदर ये सारा काम करते हैं और हमारे पास जो फाइनलाइजिंग का काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लानिंग है राइटिंग है रिवाइजिंग है फॉर्मेटिंग है एंड फाइनलाइजिंग है ये पांच के पांच स्टेप्स हम बारी बारी अब इनको व्यू करते हैं लेट्स डू दिस अब यहां पे अगर आप ऑर्गेज स्टेप वन में हम प्लानिंग करेंगे किसी भी चीज की प्लानिंग का मतलब यह होता है कि आप जो भी चीज करने वाले हैं उसको किसी तरीके से ले डाउन कर लें यानी कि सिस्टमेटिकली उसे लिख लें कुछ बड़े साइंसदान ये कहते हैं कि जब जो आप आइडिएशन स्टेज और प्लानिंग स्टेज में होते हैं ना तो आपका तकरीबन फिफ्टी टू सेवेंटी काम हो जाता है सिर्फ एक चीज को प्लान करने से आपका 50 टू 60 काम हो जाता है मैं रिपीट करता हूं सिर्फ एक चीज को प्लान करने से आपका 50 टू 70 परसेंट काम कंप्लीट हो जाता है अब बहुत ज्यादा लोग इससे नहीं करेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूं कि 50 टू 70 परसेंट आपका काम कंप्लीट हो जाता है ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं इस पर जितना कर उतना काम है। हम से कुछ लोग ऐसे हैं जो है या फ्लाइट एक ऐसी हवा में उड़ी है, जिसको पता ही नहीं है उसका गोल क्या है तो गोल क्या करेगी वो फिर गोल गोल चक्कर लगा के गोल वापस उसी एयरपोर्ट पर आके लैंड कर जाएगी सो यू नीड टू फाइंड अ प्लान और प्लान को कैसे फाइंड आउट करते हैं यू नीड टू थिंक अबाउट योर मेन गोल्स जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा आपने कैसे अपना टिफिक मैसेज लिखना है वो आपने सोचना है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है लेट्स सी जो मेरी गाइड है

अब मैं इस पे दोबारा से करता हूँ लेक्चर के अंदर आपको बताया था जहां पे हम क्या कर रहे थे हम चीजों को सिंपल बना के पेश कर रहे थे लेकिन अगर आपके ऑडियंस ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज है देन यू विल राइट फॉर देम यानी कि आप एक्सपर्ट्स के भी एक्सपर्ट बनकर उन एक्सपर्ट्स के लिए लिखेंगे मिसाल के तौर पे मैं उन लोगों के लिए अगर कंटेंट लिखूं जो ऑलरेडी प्रोफेसर हैं तो उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है एच टेन इंडेक्स क्या होता है सॉरी एच इंडेक्स क्या होता है आई टेन इंडेक्स क्या होता है दे नो ऑलरेडी तो मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि नेचर जर्नल क्या है बट इफ आई एम राइटिंग सम सम काइंड ऑफ साइंटिफिक राइटिंग पेपर फॉर फॉर एन ऑडियंस जो बैचलर के मास्टर के स्टूडेंट्स हैं देन आई विल राइट इन सिंपल लैंग्वेज सो यू शुड नो योर ऑडियंस कि ऑडियंस आपकी कौन है एंड देन यू विल राइट फिर तीसरी चीज हमारे पास ये है प्लानिंग के अंदर ही दैट इज आउटलाइन योर आइडियाज ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग लिखने से भी पहले अपने आइडियाज को ले डाउन कर लें आपको बोलता हूं कि अपने पास स्टिकी स्टिकी नोट्स नोट्स रखें और इन स्टिकी नोट्स को किसी एक दरवाजे या किसी एक वाइट बोर्ड के ऊपर चिपकाएं और अपने आइडिया को ले डाउन करें जैसे वो आपने देखा होगा डिफरेंट नेटफ्लिक्स की सीरीज या डिफरेंट किस्म की फिल्म या मूवीज के अंदर जो क्रिमिनल uh, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं हर एक चीज को जोड़ रहे होते हैं स्टोरी लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं या कभी आपने देखा हो तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जब वो स्टोरी बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं दे डू दिस इमेजिनेशन कैसे इस ले डाउन कर ले तो प्लीज आज तो लेट हिम गिव यूडैक अबाउट योर आइडिया क्योंकि आइडियाज लिखना एक तरफ उनको प्रसिव करना एक तरफ फिर से मैं बता दू कम्युनिकेशन कैसे होती है आप एक चीज सोचते हैं उसको प्रोसेस करते हैं प्रोसेस करने के बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं आया वो ऑडियो है

अगर आप ऑरल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिफोर दैट यू हैव टू राइट समथिंग स्क्रिप्ट हो सकता है अगर आपने बोलना है तो आपको लिखना पड़ेगा पहले कि क्या बोलना है वही है ना कि पहले सोचो फिर बोलो या पहले तोलो फिर बोलो तो थिंक बिफोर यू स्पीक वो वाली चीज है कि पहले तो फिर बोलो अब पहले तोलने से मुराद ये नहीं है कि आपने एक किलो टमाटर के बारे में बोलना है तो टमाटर एक किलो तोलने लग जाए नहीं यू नीड टू थिंक टमाटर हम क्यों इस पे लिख रहे हैं टमाटर पे कौन कौन सी रिसर्च हो रही है एंड वट यू नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दस ऑब्वियसली नो योर ऑडियंस उसमें ही है जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा देन यू हैव टू डू द सेकंड स्टेप ऑफ राइटिंग अब ये राइटिंग जब आप स्टेप टू में करेंगे ना तो प्लानिंग किया हुआ मवाद आपको बताएगा कि अब क्या लिखना है क्योंकि आपने प्लान में सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लेआउट बनाई हुई है नाउ यू जस्ट नीड टू राइट ईच एंड एवरी पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना है फिर आपने लिखना है मटेरियल एंड मैथड हो गए फिर आपके रिजल्ट डिस्कशन एंड देन एब्रैक्ट एंड देन सम अदर थिंग्स लाइक टाइटल और समथिंग जो हम आने वाले दिनों में भी देखने वाले हैं सो राइटिंग आपका स्टेप टू है डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद राइटिंग फर्स्ट प्लान पेपर को गंदा ले पे करें लेआउट बनाएं, इधर उधर लिखें, व्हाइट बोर्ड पर यूज करें लोगों से पूछें कि ये लेआउट बेहतर है एंड देन मूव फॉरवर्ड स्टेप टू के अंदर राइटिंग के भी फर्दर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे आपने क्लियरली एंड कंसाइजली लिखना है यू सिंपल Straightforward language, avoid unnecessary and complex sentences. हम जैसे लोग जो इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं because हमारी जो एजुकेशन है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही हुई है पाकिस्तान और इंडिया और बंगलादेश इन कंट्रीज के अंदर तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती होती है और यूजली हमारी जो वकेबलरी होती है वो थोड़ी सी बेटर होती है एज कम्पेयर टू तो समेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज अब होता है क्या है कि हम अक्सर औकात ऐसा लिख जाते हैं के अगले बंदे को गूगल करना पड़ जाए या नेटिव स्पीकर्स ऐसा लिख जाते हैं कि अगले बंदे को गूगल उठाना पड़ जाए कि यार ये इस इस लफ्ज़ का मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा सो यू नीड टू यूज सिंपल लैंग्वेज डू नॉट यूज कम्प्लेक्स वर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वोकेबलरी यूज ना करें कि अगले बंदे को गूगल करना पड़े उसके लिए आसानी पैदा करनी है याद रखें हम जब पेपर लिख रहे हैं मकसद ये है कि हमारा कम्युनिकेटिव मैसेज उस बंदे तक या उस रीडर तक पहुंचे ये मकसद नहीं है कि वो हमारी इंग्लिश की तारीफें करे ट आर मैसेज नॉट टू शो ऑफ के मुझे बहुत इंग्लिश आती है भाई, मेरे से अच्छा इंग्लिश में कोई नहीं है सो so, आपने जो चीज शो ऑफ करनी है वो ये करनी कि मुझे यह साइंस आती है आपने यह शो ऑफ नहीं करना इंग्लिश बहुत अच्छी आती है सो यू नीड टू बी वेरी सिंपल राइट आप यहां पे अगर आप देखें तो राइटिंग का अगला स्टेप है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन यानी कि कैप्चर द रीजर रीडर्स अटेंशन उसको ऐसा क्यूरोसिटी में लेके आए कि वो बंदा जब आपका पेपर या आपका राइटिंग का टुकड़ा पढ़ने लगे उसमें वो उसकी अटेंशन इतनी ग्रैब हो जाए विद अ कंपेलिंग ओपनिंग दैट आउटलाइंस द मेन टॉपिक और आर्ग्यूमेंट यानी कि पहले कुछ सेकंड में ही आप उसकी अटेंशन ग्रैप कर लें यानी कि एक बंदा आपका पेपर पढ़ना स्टार्ट हुआ है टाइटल ही ऐसा बनाए कि वो बंदा गया यार क्या कमाल टाइटल है लेट्स रीड दिस

कि आइए हजारों डॉलर कमाइए और बीच में जाके पता चलता है वो बंदा और ही कुछ बोल रहा है सो क्लिक एंड बेट नहीं करना आपने क्लिक एंड बेट करेंगे तो वो आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा क्लिक एंड बेट ये होता है कि क्लिक एंड बेट करवा रहे हैं लोग के सिर्फ क्लिक कर दो बाकी हम फिर आपको संभाल लेंगे यू डोंट नीड टू डू दैट आपने थ्रू टू द पॉइंट टाइटल एंड एब्रेक्ट बनाना दैट शुड एक्चुअली बी अ स्ट्रॉग इंट्रोडक्शन ऑफ योर साइंटिफिक राइटिंग अच्छा जी आगे है लॉजिकल फ्लो फिर आपने एक फ्लो बनाना है इंश्योर योर आइडियाज प्रोग्रेस लॉजिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट यूज ट्रांजिशन टू गाइड टू द रीडर आपने इतना अलग किस्म का फ्लो बनाना है कि पहले ब्रॉड फिर स्पेसिफिक है फिर उसकी आउटकम है मेजर आउटकम है ब्रॉडर पिक्चर है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको बताने वाला हूं so, सो आपका फ्लो नहीं होगा ना तो आप पेपर नहीं लिख पाएंगे मेरी एक मेंटर है यहां पे जर्मनी के अंदर वो मुझे हमेशा कहती हैं कि जब भी आप कुछ लिखो तो ऐसा लिखो कि बीच में से अगर मैं एक रेड लाइन गुजारना चाहूं तो वो स्टोरी को फॉलो करते हुए वो रेड लाइन गुजरे यानी कि एक थ्रेड गुजरना चाहिए आपकी पूरी स्टोरी एक थ्रेड के ऊपर हैंग करनी चाहिए ये ना हो कि कोई भी चीज कनेक्ट नहीं हो पा रही सो यू नीड टू कनेक्ट वन थॉट टू अनदर द अदर थॉट थॉट टू द थर्ड वन एंड सोन एंड सो फोर्थ अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब आप राइटर अच्छे नहीं है और ये कनेक्शन की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन दो चैट जीपीटी और बाकी इधर उधर के जो एल्गोरिथम्स आज हमारे मार्केट में हैं जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड योर काइंड ऑफ थ्रेट लेकिन आप खुद सोचें कि जो ए काम कर रही है क्या वो क्रेडिबल है बिलीव मी नहीं है और अगर आप बड़े बड़े दिग्गज जो हैं बड़े बड़े नाम जो हैं ए के अंदर उनकी बातें सुने वो बताते हैं कि चैट जीपीटी कैन नेवर मैच द ह्यूमन इंटेलिजेंस तो जो आप सोचते हैं वो हमेशा सुपीरियर होगा कंपेयर टू चैट जीपीटी या अदर एल्गोरिथम सो प्लीज ट्रस्ट इन यूर और फिर आगे काम करें अब यहां पे लॉजिकल फ्लो बनाना उसके लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज करने पड़ते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर का मेजर पार्ट है तो उसको मिस ना कीजिएगा नेक्स्ट हमारे पास जनाब आता है फोर्थ वन इज एक्टिव वॉइस आपने प्रेफर करना है कि सिर्फ एक्टिव वॉइस यूज करने वर्ड पैसिव वॉइस टू मेक योर राइटिंग मोर एंगेजिंग एंड डायरेक्ट एक्टिव होते हैं और passive voice क्या होते हैं। अगर आप यहां तक साइंटिफिक राइटिंग पहुंच गए आपको इंग्लिश आती होगी और मैं इस पर एक्टिव क्या होते हैं कि passive voice क्या होते हैं। बट आपसे एक छोटी सी असाइनमेंट करता हूं आपने तीन एग्जाम्पल्स लिखनी है इन कमेंट सेक्शन

ये सारी एग्जाम्पल जो है इसको वर्ब के अंदर रख लें लेकिन जैसे आप इसको उल्ट करते हैं पैसिव वाइज में तो वो काम खराब हो जाता है अब एक्टिव और पैसिव की एग्जाम्पल जो है आप लिखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बकायदा बताने वाला हूं क्यों एक्टिव वाइज जरूरी है और क्यों पैसिव वाइज जरूरी है तो ये यहां पे क्लियर होना चाहिए कि वी नीड टू यूज एक्टिव वॉइस देन हमारे पास वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू नीड टू मिक्स शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटें टू मेनटेन द रीडर्स इंटरेस्ट एंड इनहस रीडेबिलिटी अब रीडेबिलिटी एक ऐसी आप सेम एक ही चीज के, के अंदर लिखते जाएंगे नो बीज गोइंग टू रीड दैर आपको क्या करना है उसको छोटे अल्फाज में बड़े छोटे सेंटेंसेज में कंप्लेक्स सेंटेंसिस में कंपाउंड सेंटें और बड़े सेंटेंसेज में मिला के लिखना है So you need to be very careful when you are writing the sentences sentences na to hone

फिर आता है स्टेप नंबर थ्री रिवाइजिंग अक्सर लोग क्या करते हैं सिर्फ पेपर लिखा है उसकी कोई प्लानिंग नहीं की लिख के अपने सुपरवाइजर को या मैनेटर को भेज दे पढ़ो भाई जी करो खुद इस पे, जो भी गलतियां निकाल निकालो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा नहीं उनकी ड्यूटी नहीं है ये आपकी ड्यूटी है यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स और एक अंदाजे के मुताबिक ये बोला जाता है जो जितना आप ज्यादा रिवाइज करते हैं उतना निखर के सामने आता है पेपर ये वही चीज है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा लेकिन एक्सेस ऑफ इज बैड आपने एक स्टेज पे डिसाइड करना है नो इट्स फाइन नॉट टू रिवाइज वरना आप रिवाइज करते जाएंगे गलतियां आती जाएंगी इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे नथिंग इज परफेक्ट बट ऑन दी अदर साइड अंडर परफेक्ट चीजें भी आपने नहीं डालनी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक टर्म आपको बताता हूँ रिवाइजिंग की मैंने एक पेपर लिखा रिसेंटली उस पेपर को लिखने के बाद मैंने खुद से रिवाइज किया और मेरे इटालियन प्रोफेसर मुझे कहते होते हैं अभी भी कहते थे आ, कहते होते हैं और जब मैं पीएचडी कर रहा था तब भी कहते थे कि जब आप कोई चीज लिख रहे हो तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो पोमोडोरो जो है बेसिकली ये टाइम ताँग टाइमर की तरह होता है कि आप 25 मिनट कोई काम करें और 5 मिनट की ब्रेक लें फिर पच्चीस मिनट काम करें फिर पाँच मिनट की ब्रेक लें तो आपको फोकस करने में आसानी होगी तो कहते थे जब भी आप पेपर को रिवाइज करो ये पोमोडोरो टेक्निक को जरूर यूज करो ठीक है टेक्निक क्या है कि 25 मिनट आप एक चीज को रिवाइज करो जितना हो गया 25 मिनट का टाइमर लगाया घड़ी पे या अपने क्लॉक पे उठो वहीं पे स्टॉप करो हाईलाइट करके कि जहां पे आप थे उठो पानी शानी पियो कॉफी वॉफी पियो खाना वाना खा लो कुछ भी करना पाँच सात मिनट में दस मिनट भी लेने लो लेकिन फ्रेश होकर दोबारा से वापस आओ अपने टास्क पे और जब वापस आओ अपना मोबाइल सब कुछ साइलेंट करके साइड पे रख दो और 25 मिनट आप हाथ ना लगाओ उन चीजों को जस्ट रिवाइज करो बिलीव मी आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपनी इतनी गलतियां पकड़ता था जो टाइपोज भी हैं इंटेंशनल एंड अन इंटेंशनल मिस्टेक्स भी हैं सो दिस टेक्निक हेल्प मी अलॉड रिवाइजिंग बाय योर सेल्फ यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक प्लीज फॉलो दिस टेक्निक वन एवर यू आर रिवाइजिंग योर टास्क इवन दो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं उसको भी रिवाइज करें किसी को ई मेल कर रहे हैं उसको भी पांच से छह दफा रिवाइज करें देखें गौर से स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है एंड यू बिलीव मी पहली दफा रिवाइज करने से गलतियां पकड़ेंगे दूसरी दफा रिवाइज करने से आप उसको और इम्प्रूव करेंगे तीसरी दफा रिवाइज करने से आप उसको फॉर्मेट की तरफ ले जाएंगे विच इज आर नेक्स्ट स्टेप एज वेल बट रिवाइजिंग इज द बेस्ट थिंग अच्छा जी रिवाइज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है एडेड फॉर क्लैरिटी एंड ब्रेविटी यानी कि रिमूव करेंगे आप वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो चीजें डुप्लीकेट हो रही हैं आप उन्हें रिमूव कर देंगे देन यू विल सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विदाउट लूजिंग द मीनिंग क्यों क्योंकि हमारा मकसद है सिंप्लीफाई करना जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिज होंगे जिनमें जॉर्गन वगैरह मल्टीपल यूज हो रहे हैं यू नीड टू मेक देम सिंप्लीफाइड नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी के अंदर सेकंड स्टेप इज चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग तो रिवाइजिंग में आप टूल्स भी यूज कर सकते हैं भी यूज कर सकते हैं टू करेक्ट योर ग्रामर एरर्स एंड जिसमें ग्रामरली है जिसमें साइज पेस का टूल आ गया जिसके अंदर और भी काफी टूल्स हैं और बाय द वे रिसर्च के टूल्स जो है इनशाला हम कोशिश करें जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हम मिलकर उन्हें परचेज कर लें ताकि हमारे काम स्पीड अप हो जाए मैं एआई से लिखने के हक में नहीं हूं बट एआई कैन हेल्प यू टू लॉजिकली करेक्ट द ग्रामर

to gain different perspectives and identify areas of improvement और यह सीख फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि अपनी अम्मी से पूछने लग जाए दादी अम्मा से पूछने लग हैं देखो मैंने कैसा लिखा है माँ को तो फिर माँ होती है ना दादी अम्मा तो फिर दादी अम्मा होती है उनको तो पता होता है कि ये मेरे बेटे ने या बेटी ने लिखा है तो आपने तो कमाल लिखा है तो उन्होंने तो मोटिवेट करना ही करने उस बंदे से पूछो जो क्रिटिकल है के के को ना पूछने लग जाओ समझे बात मतलब अपने उन कजन से ना पूछने लग जाइएगा या को ऑथर से रिक्वेस्ट करनी कि मेरे आर्टिकल जो मैंने लिखा है उसको आप फीडबैक दें और मैं आपके को देता हूं। सो गिव एंड टेक के बेसिस पे कभी ए आई से फीडबैक ना मांगे ह्यूमन फीडबैक जरूरी है सो यू नीड टू फाइंड आउट ह्यूमन फीडबैक राइट अब आगे चलते यहां पे हमारे पास जो इसी का स्टेप फोर मल्टीपल टाइम्स रीड थ्रू योर वर्क सेवरल टाइम्स सेवरल का मतलब है कम से कम पांच मैक्सिमम पंद्रह जितना आप अच्छा अपना आर्टिकल चाहते हैं पढ़ें फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर को देखें लैंग्वेज को देखें क्लैरिटी को देखें और एच टाइम उन चीजों को बार 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 देखें और इसका बेस्ट वे मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक बनाया बताया एक और टेक्निक बताता हूं आप जो भी काम करें रिवाइ रिवीजन का वो सुबह फर्स्ट टाइम करें जैसे ही मतलब नौ बजे आप ऑफिस में बैठते हैं या अपने चेयर पे बैठते हैं टेबल पे बैठते हैं या सुबह फजर की नमाज के बाद आप इस पर फोकस करें क्योंकि उस वक्त आपका फोकस स्पेन बहुत ज्यादा होता है और बिलीव मी अगर आप नाश्ता करके अच्छा खासा दही वगैरह खा के फिर बैठेंगे देन यू विल सी कि आपका फोकस और भी ज्यादा होगा खासतौर तौर पर कॉफी या चाय वाले लोग भी इसको फोकस पे ले सकते हैं सुबह को फोकस क्यों ज्यादा होता है क्योंकि आप रात को जब सो के उठते हैं सुबह को तो टेंशन फ्री होता है माइंड जब आप दिन में कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पहले से बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती हैं देन यू कैन नॉट स्टार्ट विद दैट और अगर आप सुबह को बैठ के किसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं तो आप जो नॉलेज वहां पर ले रहे हैं ना वो ज्यादा देर तक सस्टेन भी करने वाला है द अदर वे अराउंड इज कि आप रात को सोने से पहले सारी चीजों को एक प्लान के मुताबिक लिख लें और फिर आप रिवाइज करना स्टार्ट करें यानी कि अपना माइंड क्लियर करें एंड देन रिवाइज और एक मैं जो टेक्निक है बनाता हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है बट इट कैन हेल्प यू एज वेल मेडिटेट करें रात को लाइटें सारी बंद करें अपने रूम में बैठे हुए अगर शोर से दूर हो जाए कोई हैंड फ्री कुछ नहीं लगाना सारा मोबाइल मोबाइल साइड पे थोड़ा सा लेट जाए काउच पे लेट जाए या अपने मतलब वैसे बेड पे या चार पाई पर लेट के सुकून से सोचें कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया और जब आपका माइंड क्लियर हो जाए पांच से सात मिनट के लिए देन यू कैन रिवाइज योर थिंग और बिलीव मी दिस हेल्प यूर लॉट मुझे पता है आप में से काफी लोग कहेंगे ये रूहों रूहों वाली बातें एक दफा करके देख लें आपको इनशाला मजा आएगा अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फोर विच इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग अभी देखें हमने अभी तक जितना काम किया है सिर्फ प्लानिंग की है राइटिंग की है रिवाइजिंग की है फॉर्मेटिंग नहीं की एंड फॉर्मेटिंग तब करनी है जब आपका मैसेज पूरा लिखा गया है कंपाइल्ड फॉर्म में है एवरीथिंग इज क्लियर कोई टाइपो नहीं है नथिंग इज देयर टू बी चेंज देन यू हैव टू फॉर्मेट अब फॉर्मेट क्यों करना है कैसे करना है कब करना है ये लास्ट स्टेप इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली ये फोर्थ स्टेप है बट फोर्थ स्टेप ऑफ राइटिंग है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से आप कब फॉर्मेटिंग करते हैं ले जनाब सबसे पहले तो आपने कंसिस्टेंट स्टाइलिंग इसमें करनी होती है यानी कि आपने हेडिंग देनी है फॉलो कंसिस्टेंट स्टाइल गाइड यानी कि आपने फॉन्ट स्टाइल एक रखनी है लाइन सेम रखनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके अच्छा खासा इसको इस तरीके से लिखना है कि आप इसको किसी भी जगह पे पब्लिकेशन के लिए भेज सकें इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग्स फॉन्ट एंड स्पेसिंग और ये चीज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी खासतौर पर इनरोल्ड स्टूडेंट्स को तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा जो लोग इस कोर्स में अभी भी इनरोल होना चाहते हैं दे कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स विजुअल अच्छा एड्स आप यूज करेंगे यानी कि आप इमेजेस बनाएंगे चार्ट्स बनाएंगे टेबल्स बनाएंगे इलस्ट्रेट करेंगे पॉइंट्स को एंड टेक्स्ट मेकिंग इट टू डाइजेस्ट अब देखें, हमने क्या किया हमने जो पहले राइट किया है ना वो सिर्फ राइट किया है बेस्ड ऑन आवर डेटा अब डेटा का कुछ आपने फिगर्स पहले बनाई होंगी जिसकी बेस पे सारा कुछ लिखा है अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो राइटिंग से भी पहले आपके पास आपका डेटा विजुअलाइज होना चाहिए जिसके बारे में आप लिख रहे हैं और वो चीज प्लानिंग में आती है यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन की या विजुअल एड्स की बात हो रही है यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स टू मेक अ स्टोरी लाइन टू मेक अ फॉर्मेटिंग फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज फॉर्मेट कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस हेडिंग के बाद मैंने फिगर कौन सी रखनी है तो विजुअल एड्स का ब्रेकअप टेक्स्ट के मुताबिक यहां पे आपने काम करना है ताकि लोग इसको इजिली समझ सकें फॉर एक्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दिस कैन बी सीन इन फिगर वन तो उसके फौरन नीचे फिगर वन आनी चाहिए ठीक है फिर अगर कोई टेबल डालना है तो आपका विजुअल एड आपको बताएगी कि कहां पे वो टेबल आपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करना है सो यू विल सी इंशाल्लाह इन डेटा विजुलाइजेशन क्लासेस एज़ वेल नेक्स्ट है जो हमारे पास रीडेबिलिटी यू हैव टू पे अटेंशन टू लेआउट एंड डिजाइन इंक्लूडिंग पैराग्राफ्स लेंथ वाइट स्पेसेस एंड अलाइनमेंट टू एनहांस रीडेबिलिटी देन यू हैव टू फॉर्मेट इस तरीके से आपने फॉर्मेट करना है कि आप इसको अलाइन भी करें पैराग्राफ को भी सेट करें एंड यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट स्पेसिस और डिफरेंट काइंड ऑफ अदर फॉर्मेट्स ऑफ टेबल्स एंड फिगर लेआउट जहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको प्रजेंट कर सकते हैं अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसी स्टेज पे अंदाजा लगाते हैं कि मैंने इस राइटिंग को कहाँ पर पब्लिश करना है आया मैंने न्यूज़ लेटर में पब्लिश करना है आया मैंने कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है, आया मैंने किसी जर्नल में इसको सबमिट करवाना है या वट एवर यू वॉन्ट टू डू तो वो क्या करते हैं इसी स्टेप पे उस जर्नल की गाइडेड गाइडलाइंस के मुताबिक ऑथर गाइड के मुताबिक अपना पेपर फॉर्मेट करते हैं ठीक है तो आपने भी उसी स्टेप को फॉलो करना है जिस जर्नल में आप टारगेट कर रहे हैं और यूजुअली ये प्लानिंग की स्टेज पे ही आप डिसाइड कर लेते हैं किस जर्नल में हमने पब्लिश करना है याद है ना मैंने स्टार्ट में बताया था कि वाई टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट एंड वेयर टू कम्युनिकेट यू हैव टू फाइंड अ जर्नल एज वेल इन द प्लानिंग स्टेज अगर वहां पर नहीं है तो यहां पे भी आप कर ले नो वरी सो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे ये हो गया जो तीन पॉइंट्स कंसिस्टेंट स्टाइल विजुअल एड्स एंड रीडेबिलिटी फॉर फॉर्मेटिंग नंबर फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज ऑलवेज फाइनलाइजिंग योर साइंटिफिक कम्युनिकेशन वो राइटिंग हो सकती है ऑरल हो सकती है वट यू आर डूइंग अब फिफ्थ स्टेप में बेसिकली आप प्रूफ रीड करते हैं परफॉर्म अ फाइनल प्रूफ रीड टू कैच एनी लिंगरिंग एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज कुछ भी आप उसमें देखें जिसकी वजह से आपके पेपर में कोई और गलती पकड़ सकता है यानी कि आप ये सोचें कि मैंने वो गलतियां पकड़नी हैं जो कोई रीडर मेरी गलती पकड़ेगा यानी कि आपने एज ए थर्ड पर्सन इसको रिव्यू करना है और बिलीव मी अपनी गलतियां पकड़ना मुश्किल होता है लोगों की पकड़ना आसान होता है सो यू नीड टू थिंक इन अ वे कि आप किसी की गलती पकड़ पकड़ें ठीक है अगर आपसे नहीं होता तो अपने कोलीग को बोलें कि आप इसमें गलतियां पकड़ें मैं भी पकड़ता हूं देखते हैं कौन ज्यादा गलतियां पकड़ता है तो एक रेस किस्म की लगा लें ठीक है और जिसकी गलतियां ज्यादा होंगी वो चाय पिलाएगा या वो एक डिनर या लंच करवाएगा दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प यू टू मोटिवेट योर सेल्फ एज वेल And in after proof reading, you have have to to test read. read 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 your work aloud, aloud. or have someone else read it it catch awkward phrasing and ensure it flows naturally. Jo ek plan hai na, read aloud. Apne paper ko print उड और पढ़े अगर आपके पास कोई नहीं है जैसे कि अंदर हूँ जब अकेला होता है तो आपको हो जाता है आपके रिसर्च इंटरेस्ट का Put your day, अपने पेपर को उच्ची उच्ची even अपनी पेपर को पढ़ने की उसे सुने बिलीव बी आप सुन के अंदाजा लगा लेंगे कौन सा सेंटेंस सही सेंस नहीं बना रहा आप देख के अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा सेंटेंस खराब है और ये जो प्लान है टेस्ट रीड का ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा और बड़े जर्नल्स में टारगेट करने के लिए यह टेक्निक सबसे ज्यादा अहम होती है रीड अलाउड राइट जी फ्लो नेचुरली नहीं करेगा तो मसला होगा यानी कि अगर स्टोरी नहीं होगी ना उसके अंदर तो किसी को समझ नहीं आनी ओके देन रिफ्लेक्ट एंड इंप्रूव रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप अपने फीडबैक के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट ऑन फीडबैक एंड एक्सपीरियंसिस टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स ओवर टाइम जारी बात है ऐसा 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 जब इन चीज़ों को आप हेल्पफुली देखते जाएंगे तो आप एट द एंड अपना जो पेपर है उसको फाइनलाइज कर पाएंगे और आप इन सारे के सारे स्टेप से अपना फायदा उठा सकते हैं अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये जो पांच स्टेप हैं ये इसी वजह से जरूरी हैं। फाइव स्टेप्स इफेक्टिव राइटिंग गाइड मैंने इसी वजह से इसको बोला बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू प्लान देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग थर्ड वन यू हैव टू रिवाइज द फोर्थ वन इज फॉर्मेटिंग एंड द फिफ्थ वन इज फाइनलाइजिंग और ये पांच स्टेप की गाइड आपको इतना अच्छा साइंटिफिक राइटर बना देगी अगर आप इनको फॉलो करेंगे कि आपके पेपर धड़ाधड़ बड़े बड़े जर्नल्स में जाएंगे छोटे जर्नल्स में नहीं जाएंगे फिर रीजन क्या है कि जब आप एक एक अच्छी साइंटिफिक राइटिंग का टुकड़ा लिखते हैं जो एडिटर्स होते हैं वो भी इंसान है जिन्होंने आपको येस और नो में आंसर देना होता है जब आप एक पेपर सबमिट करवाते हैं या जो लोग डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस में बैठे आपके एब्सपेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं वो भी इंसान है अगर एक स्टोरी अच्छी होगी राइटिंग का टुकड़ा अच्छा होगा साइंटिफिक रिसर्च अच्छी होगी देन यू कैन एक्चुअली डू वर्स अब एक बात याद रखिएगा हर बंदे की रिसर्च अच्छी नहीं होती लेकिन जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देता है वो ना अच्छी रिजल्ट रिसर्च को भी अच्छे तरीके से आगे ले जाता है बात समझ रहे हैं नहीं समझ आई दोबारा से बताता हूँ अगर आपकी रिसर्च आपको लगता है अच्छी नहीं है तो डेटा को ऐसे प्रेजेंट करें कि जितनी अच्छी चीजें वो सामने आ जाए सिंपल तो अच्छी चीजें ज्यादा सामने रखें चैलेंजेस को एंड पे रखें और यही था जी आज का लेक्चर फाइव स्टेप गाइड फॉर इफेक्टिव राइटर अगला जो हमारा लेक्चर आपके सामने आने वाला है दैट विल ट्रेन यू ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग यानी कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हैं वर्ड कौन कौन से सेंटेंस कैसे बनाने ट्रांजिशन वर्ड्स क्या हैं पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए लेआउट कैसे बनानी है किस पैराग्राफ में कितना लिखना है क्यों लिखना है कैसे लिखना है और वर्ड काउंट क्या होना चाहिए एंड प्लस मेनी अदर सरप्राइजेस फॉर यू फॉलोअर्स फॉर मोर सब्सक्राइब आवर चैनल like this video share with your friends and see you in the next lecture take care Allah office